सज्जनों, ये कोरोना वायरस का चल रहा है तो इसमें सावधान बरतने की जरूरत है। सावधानी जितनी बरतेंगे उतने ही फायदा है, नहीं तो लापरवाही करेंगे और होता रहेगा क्या है करके कोई बाहर जाएगा घूमने के लिए तो बाहर से आकर के वो कीटाणु आ सकते हैं। इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। और मोदी साहब ने कहा था कि क्लीन इंडिया, लेकिन क्लीन ही नहीं सेफ इंडिया होना चाहिए। सज्जनों, हाथ धोने के लिए आप दिन में कम से कम बाहर जाते हैं ना, बाहर से जब भी आते हैं तो हाथ धोया, हाथ पाँव धोया करें। हमारी संस्कृति है, पहले से कहीं से बाहर से आते हैं ना तो हाथ पाँव धोने के लिए बुजुर्गों कहा करते थे, तो कितनी अच्छी बात है। हाथ पाँव धोएं और स्वच्छ रहें, ऐसे ऐसे करके धोना नहीं है, साबुन लगा करके बढ़िया से, और कम से कम 20 सेकंड तो लगना चाहिए। इस तरह से पूरी तरह से अच्छी तरह से धोएं, जिसमें से कीटाणु सब निकल जाए तो हम स्वस्थ रह सकेंगे। नहीं तो ये कोरोना वायरस जो निकला हुआ है, इससे इटली ख़त्म हो चुका है, धराशायी हो चुका है, अमेरिका में भी इसका आक्रमण है, तो हम जितने अपने आप को बचा सकें उतने अच्छा है। सज्जनों, हाथ धोने का और हाथ पाँव धोने का, और बाहर से कोई भी आता है तो उसे हाथ मिलाने, पहले के हमारी संस्कृति क्या है, हाथ जोड़ के प्रणाम करने का, लेकिन ये पाश्चात्य संस्कृति क्या है, हाथ मिलाने का। ये हाथ मिला दें तो तुरंत उसका जो उसमें जो वायरस है वो हमारे में आ जाएगा। इसीलिए ये हमारी संस्कृति, महामती प्राणा जी ने प्रणाम का जो संदेश दिया है, प्रणाम करते हैं तो हम अपने हाथ जोड़ते हैं और उनको सम्मान देते हैं। तो हाथ जोड़ने, हाथ मिलाने से ही वो सम्मान नहीं होता है, वो तो पाश्चात्य संस्कृति है। तो ये जो हाथ जोड़ने की संस्कृति अब विश्व में फैल रही है, विश्व के लोगों ने स्वीकार किया है, हम भी इसको अपनाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं, नहीं तो अब इसके काल के कवलित होने को तैयार हैं। तो सज्जनों, आप होशियार रहें और सबको बचाएं, जियो और जीने दो, किसी प्राणी को हत्या न हो। प्राणी की हत्या होती है, प्राणी की जो आत्मा है ना वो श्राप देती है और उन्हीं की वजह से ये सारा होता है। इसीलिए किसी प्राणी का, सभी का अधिकार है जीने का, जिसको जिलाने की अथवा जन्माने की शक्ति नहीं है तो उसको मारने की शक्ति नहीं है, मारने का अधिकार नहीं है। जो बचा नहीं सकता है वो मार नहीं, उसका मारने का अधिकार नहीं है। इसीलिए किसी को मारना नहीं और अपने आप को बचाना और औरों को भी बचाएं, इन्हीं यही हमारी संस्कृति है। सज्जनों, तो इस संस्कृति को निभाए रखें, बनाए रखें तो हम सेफ रह सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा करबद्ध प्रेम प्रणाम। YouTube चैनल नाथ भगरी को सब्सक्राइब करके हमें धन्यवाद की बनाएं।